हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग की शुरुआत यहाँ से। तो मेरे ना जो बर्तन वगैरह है धोने को, किचन बहुत गंदा पड़ा है। मुझे बहुत आलस लगता है आजकल काम करते हुए। एक तो बात ये है कि आलस भी शायद, पता नहीं आलस लगता है कि नहीं, पर टनटन की आवाज़ बहुत आएगी आप लोगों को। मेन प्रॉब्लम ये है कि आजकल ना मैं ना तो टाइम पर सोती हूँ ना तो टाइम से उठती हूँ। उठ तो जाती हूँ पर फिर भी लेट हो ही जाता है उठते उठते। और आज सुबह जब हम वॉक पे गए तो जो मेरा टफ़ी है वो साथ आ गया। टफ़ी साथ आया तो फिर रास्ते रास्ते में लोगों के कुत्ते मिलते रहे। फिर हम लोग आगे से वापस आ गए तो वॉक भी नहीं हो पाया। और ठंड इतनी ज़्यादा थी ना कि पाला पड़ा हुआ था चारों तरफ। जो हमारी स्किपिंग रोप है, आज एक्सरसाइज करते करते वो भी टूट गई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और हम लोग जैसे ही मतलब पहला स्किप कर रहे थे तो उसमें मैं मेरी रोप ही स्किप हो गई हमेशा के लिए। तो आज मैं कुछ जुगाड़ ढूंढूंगी उसके लिए, उसके जो हैंडल वैंडल है उनको यूज करके कुछ और बनाऊंगी। और ये ना पूरे घी से कुछ कुछ चीज़ों से जम गए हैं, तो उसके गर्म पानी निकाल के धोती हूँ उनको। मुझे नहीं पता आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी। ऐसे माइक तो लगा रखी है मैंने, रखी है क्या रखा है मतलब। मेरी जीत मेरे गुड आफ्टरनून। अरे मैं मुंडे बाटू मामा के मैं दातू अभी दूंगी बेटू, और दूंगी, ये फिनिश कर दो। मैं और शौर्य खाना खा रहे हैं। हम लोगों ने बाकी कुछ नहीं, थोड़ा बहुत किचन की साफ सफाई वगैरह की। शौर्य को नहलाया, कपड़े डाले धोने को, और खुद नहा के आई अभी। अब लंच करते फिर कपड़े बहुत है आज धोने को, फिर कपड़े धोऊंगी, फिर मिलेंगे आपसे। हेलो, गुड इवनिंग।